जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL नासिक अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि HAL ने आपकी नासिक डिवीज़न के लिए भर्ती निकाली है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है, जहां पर आप देख सकते हो कि किस ट्रेड के लिए कितने पद निकाले हैं और अप्लाई करने के लिए आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो बेसिकली इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे यही क्वालिफिकेशन मांगी है कि जिस भी ट्रेड में आपको अप्लाई करना है आपके पास उसी ट्रेड में ITI की योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा आपका 10वीं पास होना जरूरी है। तो यहां पर आपके वो सभी ट्रेड है जिसके अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है। टोटल पद आपके 475 निकाले गए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा या आपको अप्रेंटिसशिप रूल 1961 के तहत दिया जाएगा, जिसमें कि आपको बेसिकली इस पर 8.5 से 9.5 हज़ार रुपये पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप रिजर्वेशन कोटा देख सकते हैं। और जो आपका यहाँ पर इसमें सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका मेरिट के द्वारा किया जाएगा, यानी कि इसमें कोई एग्जाम और या फिर कोई इंटरव्यू आपका नहीं होगा। अब बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो आपको इसमें अप्लाई 3 स्टेप के अंदर करना है। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया .org की वेबसाइट के ऊपर आना है, जो कि ये है जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यहां पर आने पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पर दोस्तों आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है। तो नेम में आपका जो भी नाम है 10th की मार्कशीट के अनुसार वो यहां पर आपको भरना है, और सेम नेम आपका आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड के अंदर भी होना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अकेडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा। और जो आप अन्य फीचर यहां पर देख पा रहे हो, आपको इन सभी फीचर्स का फायदा अकेडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो अनअकैडमी आपको यहां पर कोड इस्तेमाल करने पर 10% की छूट देती है, ये जो छूट है जल्दी बंद होने वाली है, इसलिए आपको इस ऑफर का फायदा उठा लेना है और मेरे कोड GDSTET का इस्तेमाल करके तुरंत 10% की छूट आपको मिल जाएगी। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और यहां पर अनअकैडमी आपके लिए लेकर क्या है, क्रैक CTT जुलाई 2021 कंप्लीट बैच कोर्स। इसकी जो बैच है वो आपकी 22 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है, तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको यहां पर इन एजुकेटर के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन इन टाइमिंग के ऊपर कराई जाएगी। इसी के साथ दोस्तों अनअकैडमी यहां पर आपके लिए फर्स्ट ट्रैक रिवीजन बैच कोर्स फॉर MPTET 2021 के लिए लेकर के आया है, जहां पर आपको इन एजुकेटर के द्वारा प्रिपरेशन कराई जाएगी आपके इन सब्जेक्ट को लेकर के इन टाइमिंग पर। और इसकी बैच आपकी 17 फरवरी 2021 से स्टार्ट हो चुकी है। तो यहां पर बेसिकली आपको एक सब्सक्रिप्शन के अंदर सभी बैचेस मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, जल्दी से मेरे कोड GDSTET का इस्तेमाल करके आज इसको बाय कर लेना है, यानी कि प्लान को ले लेना है, क्योंकि छूट आपको बाद में नहीं मिलेगी। तो ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है, जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। फिर दोस्तों यहां पर आपको अपना नेम एंटर करना है। इनमें से कोई एक नेम आप यहां पर एंटर कर दीजिए। मैं यहां पर अपने जो पिताजी है उसका नाम एंटर करता हूं। और ये करने के बाद आपको रिलेशन चूज कर लेना है कि आपने किसका नाम दिया है, फादर, मदर या फिर स्पोस यानी कि पति। तो यहां से फादर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर जो भी आपकी DOB है वो यहां से आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके चूज करनी है। पहले ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहां से मंथ और उसके बाद डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। जेंडर आपको अपना चूज कर लेना है। यहां पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद उस नंबर के अलावा अगर आप कोई और नंबर देना चाहते तो यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर यहां पर आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी एंटर करनी है। दोबारा से इस ईमेल आईडी को डाल करके कंफर्म कर देना है। इसके बाद आता है पासवर्ड। अब यहां पर आपको एक पासवर्ड डालना है, जो कि किस प्रकार का होना चाहिए वो आप यहां पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड में कैपिटल वर्ड इंग्लिश का और बाकी स्मॉल वर्ड और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर, इसके बाद कोई डिजिट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप इसका जो एग्जाम्पल है वो देख सकते हो। ये करने के बाद जो भी पासवर्ड आपने सेलेक्ट किया है उसको यहाँ पर दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है, फिर यहाँ पर आपको टिक कर देना है। अब ये जो भी जानकारी आपने भरी है इनको अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि बाद में एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा, या मे बी आप इसको कर भी सकते हो। और इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आपकी ईमेल आईडी है उसके ऊपर एक ईमेल गई होगी, जहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया होगा। आपको अपनी ईमेल आईडी ओपन करनी है। ओपन करने के बाद जो आपको उसके अंदर लिंक दिया है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करते ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। अब यहां पर आपको अपनी यही ईमेल आईडी एंटर करनी है और जो पासवर्ड अभी आपने सिलेक्ट किया था वही पासवर्ड आपको यहां पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहां पर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दीजिए।
तो आप देखोगे कि आप यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर जाना है। मैंने पहले इसके अंदर अकाउंट बना करके रखा है इसलिए मेरी जानकारी पहले से फिलअप है, बट आप इसमें फ्रेशर हो यानी कि रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर तो मिल चुका है बट कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। तो आपको यहाँ पर अबाउट मी के सामने एडिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका नेम दिया है, आपकी ईमेल आईडी दी गई है, आपका नंबर यहाँ पर दिया है। ये जो नंबर आप देख पा रहे हो ये वैलिड नहीं है, मेरा खुद का नंबर नहीं है इसलिए आप इस पर कॉल मत कीजिएगा क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा। अल्टरनेट नंबर अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हैं। जेंडर आपको यहाँ पर चूज कर लेना है, अगर नहीं चूज किया आपने अभी तक, जो आपकी डिसेबिलिटी है अगर आप दिव्यांग हो तो यस के ऊपर टिक कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। डीओबी यहाँ पर आपकी दी गई है, अब आपको यहाँ पर जो आपकी डीओबी है उसका प्रूफ अपलोड करना है। यहाँ पर आप या तो जन्म प्रमाण पत्र या फिर 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। आपका यहाँ पर फादर नेम दिया है, इसी के साथ आईडी प्रूफ आपको यहाँ पर एक चूज कर लेनी है। इनके इनमें से आपके पास कौन सी आईडी है वो आपको चूज करनी होगी और उसकी जो फोटोकॉपी है वो भी यहाँ पर आपको अपलोड करनी है, और जो भी आईडी आपने चूज की है उसका नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी कि आप किस स्टेट के निवासी है वो आपको चूज करना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है अगर आप वो अपलोड करना चाहते तो कर सकते हैं, वैसे कंपलसरी रूप में ऑप्शन ऐड नहीं किया गया है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या, वो कैटेगरी आपको चूज कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी सिटी है और यहाँ पर नीचे आपका एड्रेस दिया गया है, आपका जो भी एड्रेस है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो एड्रेस आपको फिलअप करना है। आपका सिग्नेचर क्या है वो यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके। जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है आप उसको यहाँ से इस प्रकार से चूज कर लीजिएगा, जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मैं यहाँ से इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेता हूँ तो आपकी फाइल का नेम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना प्रोफाइल इमेज अपलोड करना है जो कि यहाँ पर आएगा, जो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसके ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपका इमेज है वो आपको सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। फिर नीचे यहाँ पर दोस्तों आता है अबाउट मी, अगर आप अपने बारे में कुछ जानकारी देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ये सब जानकारी फिल करने के बाद आपको नीचे आकर के यहाँ पर जो अपडेट है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपकी जानकारी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर नीचे एजुकेशन की जानकारी फिलअप करनी है। ये आपको कैसे फिलअप करनी है ये भी आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है। क्वालिफिकेशन टाइप में पहले आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चूज करना है, फिर यहाँ से जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है 8वीं 10वीं वो आपको सिलेक्ट करनी है। आपको यहाँ पर अपनी स्पेशलाइजेशन देनी है, आपने 10वीं किससे की है वो आप उसके बारे में दे सकते हैं, जैसे कि साइंस या फिर आप अपने सब्जेक्ट के नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं। इंस्टीट्यूट यानी कि आपने किस कॉलेज या फिर किस स्कूल से किया है उसका नाम आपको देना होगा। एग्रीगेट मार्क्स यानी कि टोटल आपको कितने मार्क्स आए थे वो मार्क्स आपको यहाँ पर लिखना है और कितने में से आए थे वो आपको यहाँ पर देना होगा। जैसे कि मैं 600 यहाँ पर लिखता हूँ और जो नंबर मुझे आए थे वो एग्रीगेट मार्क्स के अंदर लिख देता हूँ। परसेंटेज आपकी कितनी होती है वो परसेंटेज आपको लिखनी है। कब आपने 10वीं ज्वाइन की थी वो डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। अगर एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर डाल सकते हैं, कब तक आपने अपनी 10वीं कंप्लीट कर ली थी वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। साथ ही यहाँ पर आपको 10वीं की मार्कशीट की जो फोटोकॉपी है वो भी आपको अपलोड करनी होगी, और ये सब जानकारी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सेव या फिर अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने फिर से सेम इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर अब आपको फिर से आना है और एड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्वालिफिकेशन टाइप में अब आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन चूज करना होगा। फिर यहाँ पर आपको स्कीम्स में इनमें से कोई भी एक स्कीम चूज कर लेनी है कि आपने किसके तहत की है, तो यहाँ पर आप कोई भी एक स्कीम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको जो चूज करना है वो यहाँ पर आपका वोकेशनल सॉप स्कूल एजुकेशन ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेक्टर यहाँ से आपको चूज करना हो कि आपने बेसिकली किस सेक्टर के अंतर्गत आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो की है, तो आपका जो ट्रेड है वो कौन से सेक्टर से जुड़ा हुआ है वही आपको यहाँ पर चूज करना होगा। ये मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद जॉब रोल में आपका जॉब रोल क्या है वो यहाँ से आपको सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर जॉब रोल जैसे कि ये आपके काफ़ी सारे जॉब रोल आ चुके हैं इस सेक्टर के अंदर, वही आपको यहाँ से चूज करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्पेशलाइजेशन आपने किस ट्रेड के अंदर की है उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद इंस्टीट्यूट नेम में आपको जहाँ से आपने की है उसका नाम देना है। एग्रीगेट मार्क्स यानी कि कितने नंबर आपको आए थे वो डालने हैं और टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर डालने होंगे। ये डालने के बाद यहाँ पर मैं आपको इसको फिल करके दिखाता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है और परसेंटेज आपकी यहाँ पर भर देनी है, कब आपने ITI ज्वाइन की थी वो यहाँ पर डेट सिलेक्ट करनी है, कब तक आपने की थी यानी कि कब कंप्लीट कर ली थी वो आपको एंड डेट के अंदर सिलेक्ट करना है, और जो आपकी मार्कशीट है ITI की वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर सेव या फिर अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ये जानकारी भी आपकी अपडेट हो जाएगी और आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी फिलअप हो चुकी है। अन्य जो जानकारी है जरूर
जरूरी नहीं है। आप यहाँ पर वैसा आधार कार्ड अगर अपना वेरीफाई कराना चाहे तो करा सकते हैं, एडिट के ऊपर क्लिक करके जानकारी फिलअप करके। अब आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट कोर्स टाइप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से डेजिग्नेटेड सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च लोकेशन के ऊपर क्लिक करके नासिक सिलेक्ट करना होगा, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जो आपकी वैकेंसी वो निकल के आ जाएगी, आप यहाँ पर ट्रेड आपके देख सकते हो और जो पोस्टेड डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जैसे मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है इसमें फिटर में, तो फिटर में अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर जो अप्लाई का लिंक है मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से हेड ऑफिस सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आप देखोगे अप्लाइड सक्सेसफुली, यानी कि आपने सक्सेसफुली अप्लाई कर लिया है। और आप यहाँ पर व्यू के ऊपर क्लिक करके इसकी जानकारी भी देख सकते हैं कि इसके लिए कितने पद है, स्टाइपेंड आपको क्या दिया जाएगा। और अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपका अप्लाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल के सामने क्लिक करना है और डैशबोर्ड के ऊपर आ जाना है। डैशबोर्ड पर आने पर जो एप्लीकेशन है इसके अंदर आप देख सकते हो कि आपने किस पर अप्लाई किया है। आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने यहाँ पर इस ट्रेड में अप्लाई किया है, यहाँ पर आपका एस्टैब्लिशमेंट नेम दिया गया है और जिस डेट में आपने अप्लाई किया वो आप देखोगे। स्टेटस आपका भी पेंडिंग आएगा, जब ये आपका वेरीफाई हो जाएगा या फिर एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। इस प्रकार से आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। अभी दोस्तों एक जो स्टेप है वो बाकी है, ये जो आपका प्रोसेस है ये आपका स्टेप टू का है जो कि आपने कंप्लीट कर लिया है। स्टेप थ्री का जो प्रोसेस है वो भी मैं यहां पर आपको दिखाता हूं जो कि इस नोटिफिकेशन के अंदर ही दिया गया है। तो यहां पर जो आपका स्टेप थ्री है, स्टेप थ्री में आपको बोला है कि एक लिंक दिया गया है इसी नोटिफिकेशन में, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको दी गई जानकारी को भरना होगा। बट जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये लिंक अभी वर्क नहीं कर रहा है। अगर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में आते हो तो आपको बोला है कि इस लिंक के ऊपर क्लिक करके एंटर द डाटा इन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट, यानी कि जो डाटा वहाँ पर आपसे मांगा जाएगा जिसमें कि आपका नाम मांगा जा सकता है, आपका एस्टैब्लिशमेंट नंबर मांगा जा सकता है और उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। तो मैं आपको इस लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, आप ये दो स्टेप पूरे करके जैसे ये लिंक वर्क करने लग जाए आप इसको फिल करके सबमिट कर दीजिएगा। आपको कोई फीस पे नहीं करनी है, बस आपको कुछ जानकारी भरनी होगी। अगर उसमें कोई सवाल कोई डाउट आता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड इस प्रकार से दोस्तों आप हाल नासिक अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।